सब जो बैठक में शामिल थे मुख्य सचिव भी थे, हमने वहां की बीमारी और बीमारी से मौत का सिलसिला चल रहा था और इसके बारे में क्या कारण है इसको लेकर जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं उनमें अलग अलग ओपिनियन। हमने अपने स्तर पर 2015 में एम्स पटना में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सारे एक्सपर्ट्स भी थे और समय में लोगों की बात सुन रहा था, अलग अलग व्यूज लोगों के थे। वो ये कह रहा था कि इसका जो सरयू नदी में वो आ रहा है, गोरखपुर में भी ये घटना घटती थी, गोरखपुर में सबसे पहले होती थी, उसके बाद ये मुजफ्फरपुर उसके आसपास के इलाकों में बात होती थी। तो उनका एक विचार था, दूसरे लोगों का कुछ और विचार था, अलग अलग विचार था। 3 घंटे तक हम बैठक में शामिल हुए थे और अंत में हमने यही अनुरोध किया था, अलग अलग ओपिनियन है उसको उस समय बताया गया था कि इसके बारे में रिपोर्ट्स यूएस में भेज करके वहां से भी कुछ जानकारी ली गई, लेकिन कोई व्यक्ति जो भी एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स थे जो इलाज करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, वो थे डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन करें स्टडी करें और उसके बाद किसी नतीजे पर आए तो उसके हिसाब से लोगों के बीच में वो पूर्व में जो कार्रवाई करनी चाहिए की जाए। लेकिन एक बात हम लोगों ने पहले से ही कहा था जिसके बारे में अवेयरनेस कंपेन लाना चाहिए कि उस समय जो गर्मी होती है और वैसी स्थिति में ये बात आ जाती है और यह नहीं कोई आज से नहीं, बहुत पहले से प्रचारित था, उस समय किसी ने यह भी कहा था, लेकिन वो बात लोगों ने कहा कि इससे इसका कोई संबंध नहीं, जो लीची की बात पूरी जगह कह दी जाती है। किसी ने कहा कि भाई बच्चा भूखा था, उसके घर के लोग उसी लीची का जो बगीचा है उसमें काम करते हैं, बच्चा को उस पर बैठा दिया, कोई अगर नीचे लीची गिरा हुआ है उसको खा लिया तो उसके कारण से भी, लेकिन ये किसी किसी का विचार था, ये नहीं कि यही कारण है। तो अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं भी लोग ले जाए तो उनके पेट न ले जाए, इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस कंपेन भी चलाया गया। अब यह एक संयोग की बात है और खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कम घटना घटी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं घटी और इस बार कुछ ज्यादा ही घटना घटी है। तो इसने पूरे देश को और देश के बाहर के लोग भी इस बात को लेकर जरूर अब उसकी जानकारी लोगों को मिली है तो सब तरफ से सचेत। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए और उन्होंने फिर एक टीम की संरचना की है और सब लोग इसके बारे में अध्ययन और एक एक चीज करेंगे। मैं तो उसके बारे में उन्होंने चर्चा कर दी, मैं 2-3 बात रखना चाहता हूँ। जो कुछ भी हमने यहाँ चर्चा की या पहले की भी जो रिपोर्ट्स रखती थी और उसके बारे में, इसमें जो इसके विक्टिम वो गरीब परिवार के, और आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, तो हमने ये उसी समय कहा था कि भाई इसके लिए हम लोगों को एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए। और उसके अगले दिन फिर हम गए थे और अगले दिन जाकर जितने भी बच्चे वहां भर्ती थे और उनके साथ उनकी माँ या उनके कोई गार्जियन, एक एक लोगों से बात की और एक एक बेड पर, एक बेड पर 2 बच्चे क्योंकि बेड्स की कमी थी, और उसके पहले ये जानकारी मिली कि वहां पीकू का मात्र बीआईसीयू का 14 ही बेड है। तो उसी समय हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव है उनको हमने कहा कि भाई इससे काम नहीं चल सकता, इसकी संख्या को बढ़ा करके करना चाहिए। इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और जो वहां जेल का वार्ड था, जेलर की जो जगह थी एसकेएमसीएच में, उस जगह को हटा करके वहीं पर इन लोगों ने और ज्यादा बीआईसीयू की संरचना की और तेजी से उस पर काम किया। और फिर जो अगले दिन जो इनको जिनसे बात पहले हुई थी और एक दिन हमने समीक्षा किया और समीक्षा बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, अगले दिन जब हम लोग वहां पर गए और एक एक लोगों से हमने जो बातचीत की और सबका दृश्य देखा, बच्चों का, बच्चियों का, तो हमने जो वहां देखा तो मुझको लगा कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं और बच्चियों की संख्या ज्यादा है। और हम सबसे पूछे कि आखिर हुआ क्या था, और डॉक्टर्स भी बता रहे थे कब बीमार हुआ, कब आया और क्या हुआ, ये सारी बात वो लोग कर रहे थे, एक एक बात हमने देखा। तो वहां का दृश्य देखने के बाद जो मेरे मन में बात आई, और दूसरी बात है जब हम एसकेएमसीएच गए, हम तो पहली बार गए थे, ये फैक्ट है,
उसके पहले हमको जाने का अवसर नहीं मिला। वहां इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का इलाज तो एक अलग हो रहा था, उसके लिए अलग जगह था, लेकिन बाकी लोग अपने इलाज के लिए जो स्कीम से जाते हैं, तो हमने देखा उनकी संख्या भी बहुत थी। और हमने देखा कि भाई स्कीम सीएच में जो मुजफ्फरपुर में है, इतनी बड़ी आबादी का जगह है और एक केंद्र बिंदु है, तो एक बात मुझको ये देख कर लगा। फिर हमने जानकारी ली कि भाई कितना बेड है, क्या है सब कुछ। और सबसे मिलने के बाद जब हमने बैठक की तो हमने फिर कहा कि भाई देखिए इसका सर्वेक्षण सबसे पहले जो इस बार के विक्टिम है उनके परिवार को देख लीजिए, और इसके अलावे और विक्टिम्स को भी, और ये जिस किसी भी गांव के। हमने वहां जानकारी चाहिए कि भाई एक गांव का कोई एक से अधिक आदमी हो, ऐसा कौन सा इलाका है, इससे ये पता चलेगा कि किस जगह पर और क्यों ये ऐसी बात हो जाती है। फिर उस समय जो सारे लोगों के साथ मीटिंग हुई तो केंद्र से भी टीम आ गई थी और वो लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हमने उनको कहा कि इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से देखिए कि आखिर किस परिस्थिति में ये बात आती है। और हमने अपने प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स को कहा और चीफ सेक्रेटरी भी थे कि जो बात मैंने पहले कही है उसके हिसाब से पूरे तौर पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। आखिर ये पता चलेगा कि किस तरह का ये गांव है, उस गांव की क्या स्थिति है, और उसके जो गरीब लोग हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं, उस परिवार की अवैसे कितने परिवार हैं जो ऐसी स्थिति में। तो एक जो प्रारंभिक जितने लोग विक्टिम वो बीमार पड़े थे और पूर्व में भी जो बीमार पड़े उनके बारे में पूरी ये सर्वे कर रहे हैं। और हमने कहा कि अपनी तरफ से इसमें जीविका समूह को शामिल कीजिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं को शामिल करिए, ये सब लोगों को लेकर हर प्रकार से एक एक पूरी जानकारी आप प्राप्त करिए कि कहाँ क्या है। तो जो हमने वहां दृश्य देखा बीमार लोगों का, बच्चों का, बच्चियों का, उसमें उनको बच्चियों की संख्या ज्यादा लगी नंबर एक, और ये साफ लगा कि ये सब गरीब परिवार के। तो वैसी स्थिति में जब हम लोग हर गांव के विकास के लिए स्कीम्स बनाए हुए तो क्यों नहीं उस स्कीम का लाभ ये उठा रख पा रहे, क्यों ऐसी स्थिति हुई। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूं कि इसका जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है वो डिटेल कि वैसे उन इलाकों में कौन कौन परिवार वंचित है। और अभी एक बात आ रही थी, एस्बेस्टस की बात कर रहे थे, एक बात जानकारी में दे देना चाहते हैं, ये एस्बेस्टस है बहुत फालतू चीज, और इस बात को तो हमारा व्यक्तिगत रूप से विचार आप जान लेंगे लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं है। हमने तो सरकार के काम में एस्बेस्टस मत लगाइए, ये बहुत पहले अपने फर्स्ट टेबल में ये बातें कही है। और एक जगह कोई एस्बेस्टस के लिए इंडस्ट्री लगा रहा था और ये इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के माध्यम से जो सहायता मिलती थी तो उसका प्रस्ताव उसको सहायता देने का मेरे पास आया हुआ था। और एस्बेस्टस की फैक्ट्री लग रही थी जहां तक मुझे याद है, माननीय मुख्यमंत्री का रेस्पॉन्स समाप्त होने पर सदन के कई कानूनों को बनाई जाए, तो वो एस्बेस्टस का जो वो फैक्ट्री लगा रहा था इसको लेकर वहां पर कुछ लोगों ने विरोध प्रकट किया था, और जो विरोध प्रकट करने वाले थे वो मुझसे मिलने आए थे। जब मुझसे मिले उनकी बात हमने मुझे जानकारी मिली, हमने कहा ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद हमने विभाग को निर्देश दिया और औपचारिक रूप से निर्णय लिया कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत हम एस्बेस्टस का कोई कारखाना यहां लगाएगा या उसका काम करेगा उसको किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगा। और नंबर टू, हम लोगों ने कहा कि सरकारी चीजों में ये एस्बेस्टस का यूज मत करिए, बहुत फालतू चीज है, लेकिन लोग तो यूज करता है। देश में एस्बेस्टस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर सब पूछिए जो पर्यावरण के बारे में मेरी सोच और समझ है उसमें तो हम नहीं चाहेंगे एस्बेस्टस का उपयोग हो, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं और सरकारी चीजों में हम इसका न करें। ये बात बिल्कुल सही कहा जो एस्बेस्टस के बारे में बोल रहे थे, हम तो उससे 100% सहमत है, एक अलग विषय। लेकिन इस बार जो कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वही रिपोर्ट आएगा और उसके आधार पर जो हम लोगों ने स्कीम बनाई, आज की झोपड़ी गए, अगर ये बात
विकास विभाग ने जो कुछ भी तैयार किया था देश, अगर उसके हिसाब से वहां से मंजूरी मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जो परिवार वंचित है उसके लिए हम लोगों ने दो चीज के लिए, एक तो जो उससे वंचित है मुख्यमंत्री आवास योजना, और दूसरा जो पुराने 96 बन रहा था, एक साथ आवास बन रहा था, अब वो जर्जर स्थिति में, तो उसके रिप्लेसमेंट करने के लिए दोनों काम के लिए हमने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत कराई है, और उसके लिए भी 2,50,000 रूपए थे। अब जो ग्रामीण आवास योजना में जिन लोगों का नाम है उसमें से बहुत लोग हैं जिनके पास अब तो जगह नहीं, तो उन लोगों को जगह खरीदने के लिए 60,000 रूपये की सहायता देने का भी हम लोगों ने कार्यक्रम बना दिया। तो दोनों काम से आप इस पूरे सर्वे से उस पूरे इलाके में हम लोग, तो पूरे बिहार के लिए हम लोग ये देख लेंगे कि भाई ये वंचित रह गया है, तो सबसे पहले तो लोगों को ग्रामीण आवास के लिए, उनके आवास के लिए यह सुविधा हम लोग उपलब्ध कराए, नंबर वन ये हम लोगों ने सोच लिया। दूसरी चीज है, एक कार्यक्रम हम लोगों ने और शुरू किया, सतत जीविकोपार्जन योजना। ये दो काम के लिए, एक तो वैसे लोग हैं जो बिल्कुल हाशिए पर है सरकार की योजनाओं की, उनको जानकारी नहीं है, उसका लाभ नहीं लेते हैं, उनको यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर लिया जाए, और उन परिवारों को चिन्हित करके उनको उन सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। ये भी हम लोगों ने स्कीम बना दिया, स्कीम बना हुआ है। अब ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो एक तो सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ, और सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ यह होगा कि उसको कोई न कोई काम करने के लिए हम लोग 60,000 रुपया से लेकर 1,00,000 रुपए तक की मदद करें, ताकि वो कोई भी काम करे, कोई दुकान खोल ले, कोई काम कर ले, गाय का पालन करे, कुछ भी करे, तो उसके लिए उसको प्रेरित करके, और इसके लिए हम लोगों ने जीविका समूह को लगाया। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, अरे भाई इसके बात सुन इसके, ये सारी बात जरा जान लीजिए, ये काम करने वाला है। एक तो हम आपको और बताते हैं, ये जो घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, बहुत ही हम लोगों के लिए चिंताजनक चीज है, और आगे हम बता देना चाहते हैं कि इस बार मुझको लग रहा, चाहे मौसम विज्ञान विभाग जो भी कहे, मुझको लग रहा शंका है कि भयंकर सूखा पड़ने वाला, और इसके लिए हमको जितना करना हम सब तैयारी कर रहे हैं, और हमने आग्रह किया है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, आप में से बहुत लोग थे, कि एक तो अलग से सारे एमएलए और एमएलसी के साथ सभी संबंध विभाग के अधिकारियों को बैठा करके हम दिन भर उनके उनके क्षेत्र की स्थिति को जानकर, उनके विचार को जानकर, आगे भी कुछ नहीं, अभी एक घटना घटी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन जो स्थिति मौसम की हो रही है उसमें क्या कल होगा वो बड़ी रोज कोई भी जान रहा, बहुत भयंकर स्थिति है। तो इसलिए कृपा करके जो बात हम कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो प्रतिक्रिया देनी हो आप प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। तो इसके माध्यम से, इस तरह की स्कीम्स के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि सबको जो सहायता मिलती है सरकार की तरफ से वो मिले। आखिरकार वो गरीब आदमी को घर क्यों नहीं, घर क्यों नहीं, इसका मतलब है कि वो महिलावास से वो लाभान्वित था, आज की नई योजना से लाभान्वित था। तो अगर सर्वे करके जब तक पहचान नहीं हो जाएगी, और सिर्फ जो प्रभावित हुए हैं वही परिवार नहीं, बाकी अन्य परिवार है, आज एक परिवार प्रभावित हुआ है कल को दूसरा परिवार प्रभावित हो जाएगा, इसलिए सब के लिए करना पड़ेगा पूरे तौर पर। और जो स्कीम हम लोगों ने रखी है, और इसके अलावा भी हम लोगों को ऐसे परिवारों को बिल्कुल गरीबी से निकाल कर आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि एक भी परिवार इस तरह से हाशिए पर नहीं रहे। अपनी बात हमको समझ में आई है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और जीविका समूह के माध्यम से भी उसका सर्वेक्षण करवा रहे हैं। और जान लीजिए, जीविका समूह बनने से आज 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह बना, करीब करीब 1 करोड़ परिवार की महिलाएं जुड़ गई, और ये जीविका समूह की शुरुआत हमने की वर्ल्ड बैंक
जिले के 44 ब्लॉक से अब पूरे बिहार में लागू 10 लाख स्वयं सहायता समूह का मेरा लक्ष्य था। आज अभी वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हम तो चाहेंगे कि ये जितने परिवार हैं, अगर वो जीविका समूह से जुड़ी नहीं है तो उसको जीविका समूह से जोड़ेंगे। महिलाओं में जागृति जीविका समूह के माध्यम से ही हम लोगों ने लाने की कोशिश की है, और अगर जीविका समूह से जुड़ जाएंगे, स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाएंगे, तो उनमें बहुत चीजों की जानकारी और समझ होगी, उनमें जागृति आएगी, और इस जागृति के बदौलत ही आप उनको बता सकते हैं कि बच्चे को भूखे मत रहने दो, बच्चे को गंदी जगह पर मत रखने दो, बच्चे को साफ सुथरा रखो। ये कुछ भी बात करेंगे ये सिर्फ सरकार की एजेंसी के माध्यम से हम लोग करना चाहेंगे, एक हद तक आप कर सकते हैं। समूह से जोड़ेंगे, सतत जीविका उपार्जन योजना का लाभ, और कोई भी बात हो वहां गए, और इसके बाद जान लीजिए जापानीज इंसेफ्लाइटिस तो होता है गया और कई जिलों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गया की होती है, जो इस बार लू से लोग मर गए, बड़ी संख्या में लोग मर गए, तो हम वहां भी गए और वहां भी जाकर के सब लोगों को देखा कि सारे लोग बुजुर्ग थे, बुजुर्ग थे। कई लोगों को देखा कि भाई ये जो शिकार है, आज उनका डेथ नहीं हुआ लेकिन उनका इलाज चल रहा है, कई प्रकार की बीमारियों के शिकार, ज्यादा उम्र के लोग, सबसे हम पूछ रहे थे, उनके परिवार के लोगों से भी पूछ रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस, और वहां पर जो हमने बात की उस सबके लोगों से मिलने के बाद जो हमने चर्चा की लोगों के साथ बैठ करके, और सारे अधिकारी लोग मौजूद थे, उन सब लोगों से बातचीत कर हमने पूछा कि भाई जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि हम लोग इसके टीकाकरण का कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं, और उन लोगों ने बताया कि जो जिले हैं इसके अलावा 11 और जिलों में वैक्सीनेशन के लिए उन लोगों ने केंद्र सरकार के पास भेजा, उसके वैक्सीनेशन के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो केंद्र सरकार से आता है, जो वैक्सीनेशन का आता है तो वहां भेज दिया, और वो लोग उसको भेजेंगे, और ये पूरे बिहार के और जिलों में। हमने तो देखा कि भाई मात्र 4 जिला बचेगा, तो हमने तो वहीं पर सबको कहा कि भाई जरा उन 4 जिलों का भी ठीक से देख लीजिए, उन 4 जिलों में भी देख लीजिए, वरना पता चला कि हम बाकी सब जगह पर करवा रहे हैं और बाकी जगह पर हो गया, तो क्यों नहीं सब जगह करेंगे, तो उससे जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बचेगा। और ये जो है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, कई तरह के लक्षण है, कई तरह की बीमारियां हैं, क्या है, लेकिन सिंड्रोम अभी तक उसको सिंड्रोम कह रहा, अभी तक कोई निश्चित बीमारी तक नहीं पहुंचे हैं, इस पर बहुत अनुसंधान कर रहे हैं, और जिस परिस्थिति में हुआ तो एक एक चीज का ये बहुत ही गंभीर मसला है, और हम सब लोगों के लिए दुखद है कि अगर ऐसे लोगों को हम पहले से ही बचा नहीं पाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप चाहे जितना भी काम कर लीजिए, अगर इस तरह की कोई घटना घट जाएगी तो मन इतना दुखित होता है, इतनी चिंता में डूब जाता है कि बहुत सारे काम भी प्रभावित होने लगते हैं, कि मन में वही बात रहेगी, और आज क्या है सबके मन में वही बात है, तो अन्य काम भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके बारे में उतनी ही चिंता है, और इसके लिए सर्वे करा करके एक एक काम, और वही नहीं, ये तो मुजफ्फरपुर जिले की बात हम नहीं कर रहे, हम तो कर रहे सभी इलाकों में, और उसी तरह से अन्य पूरे बिहार के एक एक गांव का देख करके, और हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, और बाजाबता अभी जो बजट का प्रावधान है उससे काम नहीं चलेगा, तो हम लाएंगे सेकेंड सप्लीमेंट्री में लाएंगे कि इसके लिए हम लोगों को और इतना काम करना, और ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता। हम जब तक लोगों की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है उसके रहने का जगह नहीं हो, उसके कुछ काम करने के लिए उसको कुछ हम सहायता नहीं कर सकेंगे, तो कोई उम्मीद करना, और उसको किसी तरह की बीमारी न हो, इसके लिए जो भी काम पहले करना उसके बचाव के लिए करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत दुखद बात हुई, देख करिए एस्बेस्टस का हमको डिपार्टमेंट ने भेजा, जिसकी हम चर्चा कर चुके, एस्बेस्टस की फैक्ट्री जो कोई लगाना चाहता था जिसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके, पूरी उसकी लिखा हुआ, तो और जो भी करेंगे अच्छी तरह से सब परिवार के बच्चे, जब तक हम आंगनबाड़ी केंद्र से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या बढ़ानी पड़ेगी,
आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। कन्या उत्थान योजना की अगर बच्ची पैदा हो